तो फ्रेंड्स देखिए, कचौड़ी और समोसा के साथ खाने के लिए या किसी भी स्नैक्स के साथ खाने के लिए खट्टी मिट्टी इमली की चटनी और हरी चटनी बनकर रेडी है। तो फटाफट चलिए मेरे किचन में साथ में मिलकर बनाते हैं। तो चलिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेबल स्पून सौंफ ले लूँगी, उसी के साथ में एक टेबल स्पून जीरा ले लूँगी और आधा टेबल स्पून मैं काली मिर्च ले लूँगी और इन्हें मैं लो टेम्परेचर पे ड्राई रोस्ट करूँगी। ध्यान रखिए कि मसाले जल ना जाए, बस थोड़ा सा ही ड्राई रोस्ट करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। और इसी के साथ में मैं 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी डाल लूँगी और इसके साथ में हम इसे भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मसाले बहुत अच्छे तरह से रोस्ट हो गए हैं। तो चलिए इसे हम अभी अच्छे से पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के अगर सिलबट्टा है आपके पास में तो आप उसी में इसे पीसिए, या फिर जो पत्थर की सिलबट्टी है उसी में दरदरा सा पीसिए, बट मिक्सी में मत लगाइए, इससे वो फ्लेवर टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से इसे दरदरा सा हम कूट लेंगे। देखिए जैसे मैंने कूट के दिखाया है, सेम ऐसे ही होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पैन में यहाँ थोड़ा सा घी का यूज़ किया है और एक चुटकी हींग का यूज़ किया है, उसी के साथ में 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इसी को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए गैस का टेम्परेचर लो ही रखिए, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, मैंने कम से कम 1 से 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। और देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है पानी में। और जैसे ही उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हम शक्कर का यूज़ करेंगे। तो कम से कम मैंने 1 कप शक्कर का यूज़ किया है, क्योंकि मेरी इमली का पल 1/3 है, तो उसके हिसाब से कम 1 कप तो चीनी लगेगा ही मुझे, और उससे भी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि इमली खट्टी होती है ना, इसीलिए शक्कर का यूज़ थोड़ा बहुत तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा। तो इसी स्टेज में हम इमली के जो पल मैंने बना के छान के रखा था उसी को मैं डाल दूँगी। और मैंने इमली के पल को कम से कम 15 मिनट तक गर्म पानी में भिगो दिया था, उसके बाद में मैंने अच्छे से इसे छलनी से छान लिया, उसी के बाद में ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा उबाल आना स्टार्ट हो गया। तो कम से कम इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम इस तरह से ही अच्छे से उबाल आने देंगे और बीच बीच में इस तरह से हम चलाएंगे। तो आधा चम्मच इसमें हम ये काला नमक डालेंगे और इसे अच्छे से इसके साथ में हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम इसमें थोड़े से मगज बीज डाल देंगे और जो हमने ये मसाले बना के रखे थे उसे हम डाल देंगे। तो करीब हम 1.5 चम्मच के आसपास ही डालेंगे और इन्हें हम इसके साथ में अच्छे से थोड़ी देर अभी चला लेंगे। तो इसे हम और 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से चला लेंगे हाई टेम्परेचर पे। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये जब ठंडा हो जाएगा ये पूरी तरह से ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अभी गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने में अच्छी लग रही है तो फटाफट मुझे कमेंट्स में बताइए कि मेरी रेसिपी आप सभी को कैसी लग रही है, और फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हरी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये एक गुच्ची हरा धनिया ले लेंगे। देखिए, ये डंठल के साथ ही लीजिए, डंठल काफ़ी टेस्टी होती है। और 3-4 हरी मिर्च है, ये मिर्च ज़्यादा मिर्च नहीं है, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेरे घर की पुदीना का पत्ता है जो मैंने दिखाई थी, तो ये फ्रेश फ्रेश मैंने लाई है गार्डन से, तो ये बस थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे। और इसमें ये लेमन जूस यूज़ करेंगे, आधा लेमन जूस है, और साथ में ये स्वादानुसार नमक, तो ये आधी टेबल स्पून नमक है। और इसके साथ में ये थोड़ा सा हम भुजिया डालेंगे, इससे टेक्सचर टेस्ट और बॉन्डिंग बढ़िया जमती है। तो बस इतना ही ठीक है। अब इसे हम मिक्सर में अच्छे से थोड़ा सा पानी के साथ में ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी हरी चटनी बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी तीखी चटनी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, एक नई वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।